देखा जाना चाहिए कि राजनीतिक दलों को जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के जरिए पैसा मिलता है वो ब्लैक मनी ऐसा नहीं माना जा सकता। कई बार हमने देखा है, कोर्ट ने भी अपने आदेश में इस बात को रेखांकित किया है कि कई बार स्टूडेंट्स और जो डेली वेजर्स हैं वो भी अपने राजनीतिक दल जिसको वो चाहते हैं उसको एक छोटा चंदा देते हैं, अपनी कमाई में से एक छोटा हिस्सा राजनीतिक दलों को देते हैं। तो इसमें बेसिक जो जरूरत थी वो ये कहा जा रहा था कि जो राजनीतिक दलों को जो चंदा मिल रहा है इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के जरिए उसके बारे में ये पता रहे कि ये राजनीतिक चंदा कौन दे रहा है, किसके जरिए मिल रहा है, एक्स वाई जेड किसने राजनीतिक दलों को चंदा दिया है, क्योंकि वो नहीं पता चलता था, वो एनोनिमस रहता था, उसके बारे में गुमनाम रखा जाता था, उसके बारे में जानकारी नहीं मिलती थी। तो कोर्ट ने उसे वायलेटिव माना है संविधान की धारा 19(1) के तहत, जिसमें ये कहा गया है कि जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड है जो जानने का अधिकार है वो इसमें भी चलेगा। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि कई बार स्टूडेंट्स डेली वेजर्स ये लोग भी कंट्रीब्यूट करते हैं, और तो एक तरह से कोई अम्ब्रेला नहीं दिया जा सकता कि प्राइवेसी, क्योंकि किसी तरीके की प्राइवेसी की राहत इस मामले में नहीं दी जा सकती, और इसमें पता होना चाहिए कि आखिर किस तरीके से ये किया गया है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो केंद्र सरकार है वो ये इस्टेब्लिश नहीं कर पाई कि 7 जो क्लोज 7(4) था इलेक्ट्रोल स्कीम में वो लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव मेजर है, और कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि ये राइट टू इंफॉर्मेशन ऑफ सिटीजन का तो वायलेशन करता ही है, और अबाउट पॉसिबल क्विड प्रो क्यो की तरफ भी उन्होंने ध्यान दिया है, क्योंकि ये कहा है कि दो तरह से के लोग जो हैं राजनीतिक चंदा देते हैं, एक तो राजनीतिक दलों को बढ़ाने के लिए जिसको वो प्रेम करते हैं, जिसका समर्थन करते हैं, और दूसरा क्विड प्रो क्यो भी हो सकता है, इस तरीके की चीजें भी देखने में आती हैं। तो इसमें वायलेशन है, और अभी कोर्ट का आदेश ये हमें समझना होगा कि अभी कोर्ट अपना आदेश पढ़ रहा है। इस मामले में 5 जजों की बेंच थी, 2 जज ने इसमें बिल्कुल विक्रांत आप रहिए हमारे साथ, जिन लोगों ने अभी अभी टेलीविजन सेट ऑन किया है उनको बता दें कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर जो 5 जजों की बेंच फैसला सुना रही है, दरअसल ये विवादों में आया कि आप राजनीतिक पार्टी को चंदा तो देते हैं लेकिन आपकी पहचान गुप्त रखी जाती है, ऐसे में किसने दिया है, पैसे का स्रोत क्या है, ये जानना बेहद जरूरी है, और ये रिश्वत को बढ़ावा देता है जो CJI कह भी रहे हैं। अलग अलग जजेस हैं जिनकी राय अलग हो सकती है लेकिन CJI कह रहे हैं कि फैसला एक ही होगा, और जो पूरा फैसला इस वक्त पढ़ा जा रहा है उसके बाद इसका एनालिसिस होगा कि सार क्या निकलता है। लेकिन जो राजनीतिक पार्टियों को फंडिंग होती है इससे काले धन को बढ़ावा मिलता है, इसके अलावा रिश्वत का जरिया बनता है और सूचना के अधिकार का भी उल्लंघन है, ये CJI कह रहे हैं। और हम आपको ये भी बता रहे हैं कि क्या होता है चुनावी बॉन्ड, दरअसल ये सियासी दलों को चंदा देने का माध्यम होता है, एक तरीके से वचन पत्र की तरह होता है। आप 1,000 रुपए से लेकर के 1 करोड़ तक के बॉन्ड खरीद सकते हैं, पार्टियों को दे सकते हैं। बड़ी बात क्या है, बड़ी बात यह है कि जब आप चुनावी बॉन्ड खरीदते हैं और किसी पार्टी को देते हैं तो आपकी पहचान गुप्त रखी जाती है। विक्रांत, इसी बात पर हम बार बार जोर दे रहे हैं कि जब आप बॉन्ड खरीदते हैं किसी पार्टी को आप देते हैं तो जो पहचान गुप्त रखी जाती है, इसी पर आपत्ति थी। एक तो पहचान गुप्त रखी जाती है, ऊपर से स्रोत क्या है, जिसने दिया है उसके बारे में पहचान नहीं हो पाती है, और यही रिश्वत का जरिया भी बनता है। देखिए, एक दो चीज़ें हमारे दर्शकों को मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अभी कोर्ट अपना जजमेंट पढ़ रहा है, कोर्ट का फाइनल जजमेंट अभी पूरा आना बाकी है, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि ये वायलेटिव है केवल इसका कि आपको राइट टू इंफॉर्मेशन होना चाहिए, आपकी जानकारी में होना चाहिए, तो उसकी जानकारी होनी चाहिए, जो दानदाता है उसके बारे में पता होना चाहिए। कोर्ट अभी अपना आदेश पढ़ रहा है और इस मामले में 2 जजमेंट पढ़े जाएंगे, एक जस्टिस संजीव खन्ना की तरफ से और एक CJI की तरफ से, और इस मामले में हालांकि दोनों जो जजमेंट हैं उनका निष्कर्ष एक ही निकला, ये CJI ने शुरुआत में ही साफ कर दिया कि हमारे जजमेंट 2 भले ही हैं लेकिन दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं, रास्ता एक ही है, और अभी कोर्ट का जजमेंट कुछ देर बाद पूरा हो जाएगा। और कोर्ट ये जजमेंट इसलिए भी इस पर निगाहें लगी हुई थी क्योंकि सामने लोकसभा का चुनाव है, याचिकाकर्ताओं का कहना था, इस मामले में 3-4 याचिकाएं दाखिल की गई थी और उसमें यह कहा गया था कि यह पूरी तरीके से उल्लंघन है, राजनीतिक दलों को फायदा पहुंचाने की दृष्टि से दिया गया है, और ज्यादा इस मामले में पूरी एक पारदर्शिता होनी चाहिए। सरकार ने हालांकि का विरोध किया था और सरकार की तरफ से कहा गया था कि इस मामले में चुनावी चंदे में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया था, और अब हालांकि सरकार ने उसे वायलेटिव माना है कि राइट टू इंफॉर्मेशन यानी जानने का अधिकार दानदाता को होना चाहिए, यह मतदाता को होना चाहिएगा, माफ कीजिएगा, और मतदाताओं को यह पता होना चाहिए कि किस राजनीतिक दल को कहां से चंदा आ रहा है। अभी चीफ जस्टिस अपना आदेश पढ़ रहे हैं और उसके बाद
इस आदेश के बाद संजीव खन्ना, जस्टिस संजीव खन्ना का भी जजमेंट आएगा। हालांकि दोनों ही जजमेंट में एक ही बात की गई है, निष्कर्ष एक निकला है, बस रास्ते दोनों के अलग अलग हैं। बिल्कुल। तो विक्रांत, अहम जानकारी देते हुए, चुनावी बॉन्ड पर बड़ा फैसला आना है, सीजीआई फैसला पढ़ रहे हैं, कुछ देर का इंतजार और उसके बाद ये जो चंदा देने की प्रक्रिया है ये पारदर्शी होनी चाहिए। लेकिन इससे पहले, क्योंकि हमने देखा था कि पिछले साल 31 अक्टूबर से इस मामले में नियमित सुनवाई शुरू हुई थी, जिसमें कोर्ट की तरफ से पहले ये भी कहा गया था कि ये काले धन को ठिकाने लगाने का जरिया है। विक्रांत, अहम जानकारी देते हुए, विक्रांत आपने कई बिंदुओं पर इसमें बड़ी बातें कही है, लेकिन जो पहले कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि काले धन को ठिकाने लगाने का क्या सिर्फ जरिया है, इस मकसद से ये योजना लाई गई है और हर पार्टी के लिए ये एक सी नहीं है। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, इस वक्त हम आपको बता रहे हैं सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 इंडिया पर, आपको बता रहे हैं कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर रोक लगाई है। चुनावी बॉन्ड पर देश की सर्वोच्च अदालत ने रोक लगा दी है, इस वक्त का सबसे बड़ा फैसला देश की सर्वोच्च अदालत की तरफ से। और ये एक तरीके से मील का पत्थर भी होगा कि जो राजनीतिक पार्टियों को चंदा दिया जाता है, दरअसल चुनावी बॉन्ड जो कोई भी नागरिक खरीद सकता है, 1000 रुपए से इसकी शुरुआत होती है। लेकिन इस पर आपत्ति थी, जो याचिका दाखिल की गई थी, आपत्ति ये थी कि जो राजनीतिक पार्टी को फंड देता है, यानी कि चुनावी बॉन्ड के जरिए, उसकी पहचान गुप्त रखी जाती है। ऐसे में सीजीआई ने यह माना कि यह काले धन का जरिया बनता है, इसमें सूचना के अधिकार का हनन होता है। तो ऐसे में 5 जजों की बेंच का यह बड़ा फैसला, कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर रोक लगाई है, चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है, चुनावी बॉन्ड यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगा दी गई है। और ऐसे में, क्योंकि जो फैसला जब पढ़ा जा रहा था, इसमें जो अहम बिंदु है वो आपको बता रहे हैं, कोर्ट ने ये माना है, जज ने ये कहा, सीजीआई ने कहा कि अधिकार है जनता को ये जानने का कि स्रोत क्या है। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, लोकतंत्र में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत ने अपना फैसला सुना लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर, यानी इलेक्टोरल बॉन्ड पर, एक कड़ा फैसला लिया है, चुनावी बॉन्ड पर रोक लगा दी है। विक्रांत यादव हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ इस पूरे फैसले पर जुड़े हुए, उनका रुख करते हैं। विक्रांत, ये इस वक्त की बड़ी खबर है, तमाम राजनीतिक पार्टियों को एक बड़ा झटका है, स्पेशली जब ये कहा जाता है कि जो सत्ता में पार्टियां होती है उनको आसानी से ये इलेक्टोरल बॉन्ड का फायदा मिल जाता है, लेकिन बाकी पार्टियों को नहीं मिलता है, और इसीलिए फैसला बहुत अहम हो जाता है। देखिए, बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि सीजीआई ने साफ कहा है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम जो है वो वायलेटिव है, आर्टिकल 19(1) है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, और अमेंडमेंट टू कंपनीज एक्ट भी असंवैधानिक है। कोर्ट का ये बड़ा फैसला, यानी इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम जिसको सरकार लेकर आई थी उसको असंवैधानिक करार दिया है। कोर्ट ने अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ये निर्देश दिया है कि वो जो भी इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के जरिए जो राजनीतिक दलों ने पैसा कैश करवाया है उसकी जानकारी चुनाव आयोग को देगा। 31 मार्च तक चुनाव आयोग को ये जानकारी देनी पड़ेगी। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो बैंक इलेक्ट्रल बॉन्ड जारी कर रहे थे वो इसे तुरंत बंद करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जरिए इलेक्ट्रल बॉन्ड मिलते थे उसको बंद किया जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यह भी कहा है कि वो तमाम डोनेशन जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के जरिए मिली है और जिन राजनीतिक दलों को उसके जरिए चंदा मिला है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। ओके, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो जजमेंट आया है इसमें वो कौन कौन सी बड़ी बातें हैं, विक्रांत? अच्छा, पहले पहले आपके साथ कुछ वकील है। मैम, जय मैम, जय मैम, प्लीज लास्ट, जय मैम, बस एक दो मिनट मैम, दो मिनट का, गिव मी 5 मिनट्स, आई एम टायर्ड, पानी पिला दो भाई यार, इतना प्रेशर नहीं खेला जाता।